नगर निगम बोर्ड की 16वीं बैठक मंगलवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम कार्यकारिणी के लिए 6 पार्षदों को निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुना गया। आपको बता दें कि कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें कुल 11 निगम के पार्षदों द्वारा नामांकन पत्र लिया गया, जिनमें पार्षद जियाउल इस्लाम, मोहम्मद मतीनुद्दीन, ऋषि मोहन वर्मा, चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह, राजेंद्र तिवारी, सभी कुमार, मोहम्मद अफरोज उर्फ गब्बर, शहाब अंसारी, अमरनाथ यादव, अभिमन्यु मौर, राजेश तिवारी शामिल थे। चुनाव के निर्धारित समय 12:30 बजे से 1 बजे तक कुल 6 सदस्य, जिसमें पार्षद जियाउल इस्लाम, मोहम्मद मतीनुद्दीन, ऋषि मोहन वर्मा, चंद्र प्रकाश सिंह, गोली सिंह, राजेंद्र कुमार तिवारी, अफरोज अहमद ने ही नामांकन पत्र जमा किया, जिसकी जाँच के पश्चात सभी 6 नामांकन पत्र सही पाए गए, जिन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि मुझे अपार प्रसन्नता है कि नगर निगम को सदन की बैठक में 6 सदस्यों के चुनाव हेतु लगभग सभी पार्षद उपस्थित हुए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए 6 सदस्यों को निर्विरोध रूप से चुना गया और एक मिसाल कायम किया गया। उन्होंने कहा, नगर निगम सदन में सभी दल पार्षद एक हैं और आपसी सौहार्दपूर्ण बनाते हुए सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए महानगर में विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने निर्विरोध चुनाव जीतने वाले सभी नव निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों तथा सदन में उपस्थित सभी पार्षदों को बधाई दी। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उपसभापति अजय राय तथा नगर निगम के पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह तथा महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे पार्षद आए हैं। 90% उपस्थिति हमारे पार्षदों की है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि हमारे पार्षदों ने बहुत ही सरल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विरोध चुनाव कराया है। इसके लिए मैं चुनाव अधिकारी, नगर आयुक्त और इस कार्यक्रम में जिन हमारे अधिकारियों ने सहयोग किया है, पार्षदों के साथ साथ उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। प्रजातंत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोई काम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास पर चर्चा होती है और हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। सभी पार्षदों से अनुरोध है कि जब भी सदन की बैठक हो, अपने वार्ड की समस्याओं को शालीनतापूर्वक मजबूती के साथ उठाएं। सदन में अव्यवस्था होने पर हर व्यक्ति, अधिकारी हो, मेयर हो, उपसभापति हो, परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुख्य मुद्दा पीछे रह जाता है, हंगामे की भेंट चढ़ता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिस शालीनता का परिचय आप लोगों ने दिया है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं घोषणा करता हूं, निर्वाचित माननीय कार्यकारिणी सदस्यों की सूची, जियाउल इस्लाम साहब निर्विरोध घोषित किए जाते हैं। श्री मोहम्मद मनुद्दीन ऋषि मोहन वर्मा जी, श्री राजेंद्र तिवारी जी निर्विरोध घोषित किए जाते, श्री मोहम्मद अफरोज गब्बर निर्विरोध घोषित किए जाते, श्री चंद्र प्रकाश सिंह निर्विरोध घोषित किए जाते हैं। सभी पार्षदों से अनुरोध है कि जब तक ये कार्यक्रम चलता है, पार्षदों का सम्मान होता है, अपने अपने सीट पर बैठे रहेंगे, फोटो खिंचवाने के लिए दो दो लोग आएंगे। देखिए, प्रत्येक दो वर्ष पे कार्यकारिणी के छः सदस्यों का चयन होता है, तो आज कार्यकारिणी के छः सदस्यों के चुनाव के लिए बोर्ड की 16वीं बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में नामांकन छः ही हुए, इसलिए निर्विरोध छः माननीय पार्षदों का चुनाव कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर किया गया। देखिए, पिछले दिनों छः पार्षद नियमता कार्यकारिणी से रिटायर्ड हो गए थे। उन छः पार्षदों को नया लाने के लिए आज का बोर्ड की 16वीं बैठक हुई है, जिसमें छः पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं।
श्री जियाउल इस्लाम साहब, श्री मोहम्मद मत्तीउद्दीन, श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, श्री मोहम्मद अफरोज उर्फ गब्बर, श्री चंद्र प्रकाश सिंह, ये छह लोग जो रिक्त पद हुआ है उस पर आज निर्विरोध चुन लिए गए। मैंने इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव कराए जाने, निर्विरोध चुनाव कराए जाने पर मैंने सभी पार्षदों को, नगर निगम के अधिकारियों के तरफ से पार्षदों को मैंने बधाई दिया है।